दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी धमाकेदार ऐप लेके आया हूँ जो ऐप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी और इससे अच्छी ऐप आपने कभी यूज़ नहीं की होगी। दोस्तों, अगर ये ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल है तो आपको दूसरी ऐप्स की ज़रूरत नहीं, ये एक ही ऐप काफ़ी है आपके फ़ोन को मैनेज करने के लिए। और ये ऐप बिल्कुल फ्री है, आप इसे फ्री अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी भी दबा दें ताकि आपको हमारे हर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, ये ऐप चलिए देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले आप जब ऐप को इंस्टॉल कर लें तो इस तरह आपके सामने इसका इंटरफेस ऐप का लोगो आएगा और आप इसे ओपन कर लें। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको बहुत से चीज़ें शो होंगी। देखिए, सबसे पहले जंक फाइल्स, रैम बूस्टर, डुप्लीकेट फाइल्स, व्हाट्सएप मीडिया, ये चार ऑप्शन हैं। जंक फाइल्स में से दोस्तों आप अपने फ़ोन का जो वायरस है वो यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। जंक फाइल आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आप इस तरह जंक फाइल को यहाँ से क्लीन कर सकते हैं। देखिए, 249 MB हमारी 249 MB की फाइल्स हमारी क्लीन हो चुकी हैं। और दोस्तों, दूसरा जो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है रैम बूस्टर, तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए 64% रैम थी, 66% हो गई। यहाँ से आप अपने रैम को खाली कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, डुप्लीकेट फाइल्स में देखते हैं, यहाँ पे 240 MB की फ़ाइल हमें दिखा रहा है, यानी डुप्लीकेट जो फाइल है, एक फ़ाइल डबल हमारे फ़ोन में है उसे ये दिखा रहा है। जो फाइल डबल हैं वो फाइल यहाँ पे शो करेंगी, जो कि 204 MB, 4.6 MB की फाइल्स हैं। और व्हाट्सएप मीडिया, यहाँ पे आप चाहते हैं तो यहाँ पे आपके व्हाट्सएप के सारे इमेजेस और ऑडियो वीडियो सब यहाँ पे शो करेंगे। देखिए, इमेज और इमेज सेंड जो आपने यहाँ पे दूसरे को सेंड किए हैं वो भी यहाँ पे शो करेंगे। वीडियो मैसेज जो भी आपके व्हाट्सएप में है सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। और दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ नीचे इंटरनल। इंटरनल में आपको दिखाएगा कि आपके फ़ोन की मेमोरी कितनी फ्री है और कितनी यूज़ हो चुकी है। तो इसमें आपको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे फोल्डर्स आ जाएंगे और डिटेल्स में आपको पता चल जाएगा कि हमारी कितनी MB कहाँ पे यूज़ हो चुकी हैं, और यहाँ से आप मैनेज फाइल्स कर सकते हैं। देखिए, सारे फोल्डर्स हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। और दोस्तों, यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में अलग से कोई मेमोरी कार्ड लग रहा है एक्सटर्नल पे उसे शो करेगा। और नीचे मैनेज ऐप्स में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, आपने जितने ऐप्स इंस्टॉल किए हुए हैं वो माई ऐप्स में शो करेंगे सारे। आप यहाँ से ये जो बॉक्स है इनको चेक करके बैकअप भी ले सकते हैं और अनइंस्टॉल भी किसी भी ऐप को यहाँ से कर सकते हैं, आपको सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, सिस्टम ऐप में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके फ़ोन की जो ऐप्स हैं वो यहाँ पे शो करेंगी। अब आप यहाँ से इन्हें भी रिमूव कर सकते हैं, जैसे आप कोई ऐप रिमूव करना चाहें तो वहाँ बॉक्स को चेक कर दें, और जैसे आप बॉक्स को चेक करते हैं तो आपके सामने नीचे रिमूव वाला ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप इस पे दबाते हैं तो आपकी ऐप रिमूव हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको इसके लिए किसी अलग से ऐप की ज़रूरत नहीं, फाइल मैनेजर की ज़रूरत नहीं, इसी ऐप से आप सारा काम अपना कर सकते हैं। और देखिए, फाइल मैनेजर भी इसी में है, फाइल एक्सप्लोर, यहाँ से आप अपने सारी चीज़ें देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अलग अलग फोल्डर्स बन के आ चुके हैं, स्क्रीनशॉट, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज, जितने भी आपके फ़ोन में हैं उन सब के अलग अलग फोल्डर यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो यहाँ से आप जो भी देखना चाहें वो यहाँ से फोल्डर ओपन करके आप देख सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके फ़ोन में डाउनलोड की हुई हैं, या आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके फ़ोन में, और जो भी जिप फाइल हैं, आप यहाँ से इन्हें ओपन कर सकते हैं। आपको फाइल मैनेजर की इसमें ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, फाइल लोगोस, इसमें आप जाते हैं तो इसमें आपके जो लोगोस हैं, जो आपने लोगो अपने फ़ोन में तैयार किए हैं, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में आपके कॉन्टैक्ट शो होंगे, और ऐप अपडेट, ऐप कैटेगरी, और यहाँ पे कैटेगरी शो होगी। और जो भी चीज़ आपको ज़रूरत है अपने फ़ोन में, जितनी भी चीज़ें हैं, आप सारी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये
काफ़ी अच्छा ऐप है एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए। और यहाँ से आप देखिए दोस्तों, नो ऐप्स फोल्डर में अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपके जितने भी ऐप्स हैं उनके अलग अलग फोल्डर शो करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल है तो आपको बहुत सी ऐप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एक ही ऐप सारे ऐपों का काम करेगा। तो दोस्तों इस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा ऐप है और मुझे काफ़ी पसंद आया है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये ऐप कैसा लगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।